बहुत तेज जो है बारिश स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम से आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कासिम इरफान ऑफिशियल और मैं हूँ मोहम्मद कासिम इरफान। माशाल्लाह से आज तीसरा रमज़ान है, वो शुरू हो गया है। तो अल्लाह ताला की रहमत और उसके करम से जो है आज तीसरा रोज़ा जो है वो भी बारिश में ही स्टार्ट हुआ है। अभी भी बाहर बारिश है, वो काफ़ी तेज़ लगी हुई है। तो सहरी अभी मैंने कर ली है, तो अभी मैं जा रहा हूँ नमाज फजर अदा करने के लिए मस्जिद में। तो चलते हैं, नमाज अदा करते हैं और साथ आपको दिखाते हैं कि बाहर इस वक्त जो है वो मौसम कैसा है। तो मिलते हैं मस्जिद में। जी व्यूअर्स, तो देख सकते हैं आप बारिश जो है वो स्टिल लगी हुई है। रात से बारिश हो रही है लेकिन अभी भी स्टिल बारिश है। अभी नमाज का टाइम है, 5:10 हो गए हैं। तो इंशाल्लाह हमें 5:15 जमात है। اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك। जी व्यूअर्स, तो जो दिन का आगाज़ हो चुका है, सुबह तो आपने देखा था कि बारिश थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी माशाल्लाह से बाहर धूप निकल आई है। लेकिन इस धूप का भी कोई कहते हैं ना कि एतबार नहीं है, कोई पता नहीं है कब बारिश दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी बादल उसी तरह ही हैं। तो अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ कटिंग करवानी है अब्दुल अहद की भी और अब्दुलरहमान की भी, क्योंकि कल इन दोनों का रिजल्ट भी है। तो अब्दुलरहमान साहब तो रिजल्ट सुनने के लिए जाएंगे क्योंकि वो टैबलो में नहीं है, लेकिन अब्दुल अहद साहब जनाब है वो अब्दुल अहद वहाँ पर कमांडो बनेगा और जनाब से वो कमांडो के जनाब ड्रेसिंग में भी स्कूल जाएगा। तो अभी इनकी कटिंग करवा के तो फिर वापस आएंगे, फिर अगला शेड्यूल आपको बताते हैं। तो अभी चलते हैं हमाम पे। अब्दुल अहद अब्दुलरहमान मेरे साथ हैं। अब्दुलरहमान ये देखें जी, अब्दुल अहद ने जुल्फ़ें जो हैं वो बहुत बड़ी की हुई हैं, तो और अब्दुलरहमान की भी जुल्फ़ें बहुत बड़ी हुई हैं। अभी जनाब कटिंग करवानी है प्यारी सी, तो चलते हैं हमाम पे। जी बाहर माशाल्लाह मज़े का मौसम हो गया है, आप देख सकते हैं कि धूप जो है वो आसमान भी तो थोड़ा सा साफ नज़र आ रहा है, लेकिन बीच बीच में बादल भी हैं। माशाल्लाह
माशाल्लाह जी, अब्दुल्ला अहद की फौजी कटिंग हो गई है। अब्दुल्ला अहद इधर देखो, माशाल्लाह अब्दुल्ला अहद तो पहचान नहीं हो रहा अब, माशाल्लाह। अब्दुल रहमान हो गई कटिंग, वाह जी व्यूअर्स। तो माशाल्लाह से धूप जो है वो अभी स्टार्ट हो गई है और हम जा रहे हैं आज आपको विजिट करवाने के लिए। मैंने आपको बोला था कि हम जो मीरपुर शहर के जो अतराफ में जो एरियाज हैं वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे कि रमज़ान के टाइम पे इस वक्त क्या गैदरिंग होती है और किस तरह से लोगों का कितना रश होता है। तो आज जो है वो मैं जा रहा हूँ चातला और मेरे साथ मुबीन भी मेरे साथ है। तो अभी जो है वो हम खालकाबाद के मुकाम पे खड़े हैं। ये मेरे बैग में आप देख सकते हैं, ये जड़ी कस वाला डेक है, ये सामने आप देख सकते हैं। तो और माशाल्लाह बहुत क्वाइट एरिया है ये, और अभी तो सूरज निकला हुआ है लेकिन बादल, मौसम साफ भी है और साथ बादल भी हैं। तो अभी कुछ पता नहीं है, क्या पता कब बादल जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो इससे पहले कि बादल बारिश जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो, क्योंकि आज सुबह का आगाज़ जो है वो आपने देखा है कि बारिश से ही हुआ है। तो इससे पहले कि हम चलें जातला, तो मुलाकात होती है आपसे जातला। जातला पहुंचाए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी स्टॉल पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। देख सकते हैं आप, ये जातला में सबसे ज़्यादा जो रश है, जैसे आप ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो ये सामने शॉप है जाइड स्ट्रीट, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने दिखाया है कि क्या क्या आइटम चाहिए। अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सर शुक्र है। दसो की जा रहा है, कब रोजा जी? ठीक जा रहा है। दसो पर क्या क्या चीज़ा नहीं स्लैब मिल जाए? अच्छा है, ठीक है। फिश भी पता की है? ठीक है, ठीक है। रोल चिकन रोल है, आलू वाले रोल है, ठीक है। समोसा किस तरह देने पे हो? चिकन समोसा समोसा दे रहे हैं 50 रुपये ना। आलू वाला 30 रुपये, आलू वाला 30 रुपये ना, ठीक है। तो जलेबियाँ भी सब में तक सब माशा, जलेबियाँ भी जी सब बनाने। मेरे पर सारे जलेबी कोई नहीं बनाना वैसे, लेकिन तुम सब माशा तक जलेबियाँ भी सब बनाई है। अच्छा माशाल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स अब जातला तो पहुँच आए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जैसे पहुँच जाए तो बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। बादल जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर के मेरे क्या कंडीशन है इस वक्त बादल की। बहुत तेज़ जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से आज यहीं पे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अब पता नहीं हम वापस मीरपुर जो है वो कैसे पहुँच सकेंगे कि नहीं पहुँच सकेंगे। जातला का जो टूर था वो हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा है आज,
और देख सकते हैं आप हमारी कंडीशन। आपको बताया था अभी उस तारीख को घर में रहते थे, तकरीबन आधा घंटा रह गया था तो बारिश स्टार्ट हुई थी, तब से हम फंसे होते जाता में। और अभी हम पहुंचे हैं ये चुंगी से थोड़ा आगे, ये पेट्रोल पंप है, टोटल वाला पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे हम पहुंचे। ये अफतारी जो है वो हमने कहाँ पे की है ये हम नहीं बता सकते, मेरा भी यही हाल है और मुबीर का भी। और ये चादर है, ये यहाँ पास से जनाब ने उनकी बहुत मेहरबानी है जो इन्होंने दी है हमें। और ये देख सकते हैं हमारे जो इस वक्त शूज़ देखें आप, सब पानी से जो है वो गोच हुए हैं, ये सॉक्स हैं खुली भीगे हुए हैं और बारिश अभी भी लगी हुई है। या बारिश से ये देखें आप लाइट में, ये बारिश देखें आप, अभी जो है बारिश स्टिल हो रही है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, क्योंकि सर्दी की वजह से मुझसे बोलने नहीं हो रहा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और मुबीर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।